तीसरे टर्म का पहला आम बजट पेश हो गया है। साल 2024 से 2025 तक किसका कितना बजट है, सरकार ने सब कुछ तय कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बना दिया है। सातवीं बार मोदी सरकार में और पूरे देश में 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री का पूरा फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। 48 लाख करोड़ सबको पैसा दिया गया है, बता ही दिया है 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, ये तो बता ही रहा हूं। लेकिन आज सुबह से सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है जानते हैं आप? ये विस्तार न्यूज है, कुछ बचता नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना काहे दे दिया गया है भाई, समझिए। बजट को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है ये भी बताऊंगा। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। किसके लिए? आंध्र प्रदेश और बिहार। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो और सरल करूंगा। जिसमें अकेले बिहार को 58,900 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है आज के बजट में। समझ गए? इस बजट में 2024 चुनाव में बीजेपी को मिले झटके का साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। बहुमत से 32 सीटें पीछे क्या रह गई? बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही छप्पर फाड़ ऐलान हुआ है तो जाहिर है राजनीति तो शुरू होगी ही। विपक्ष कहने लगा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, कौन क्या कह रहा है, कुछ कुछ समझ लीजिए, उसके बाद विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिखाइए जरा रिपोर्ट। जरूरत के लिहाज से बजट आवंटन नहीं हुआ। किसानों के लिए बड़े वादे किए थे पर मिला क्या किसानों? ना न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र आया और ना ही विकास निधि, किसान निधि बढ़ी। ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया? खोदने के पहाड़ निकले चूहे भी नहीं। और पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा नाम तक नहीं लिया। नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी को लेके कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। देखो बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। विपक्ष कह रहा है ये कुर्सी बजाओ बचाओ बजट है। आज तो बयानबाजी हुई, कल विपक्ष बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर रहा है। कौन? विपक्ष। कुर्सी बचाने के लिए ऐलान हो या नीतीश बाबू और चंद्र बाबू नायडू को खुश करने के लिए? नीतीश बाबू तो आज बहुत खुश होंगे, बल्कि ये कहा जाए नीतीश कुमार आज बहुते खुश होंगे बिहारी में अगर कहा जाए तो। सुना दीजिए भाई नीतीश बाबू अपनी खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे हैं, सुनाइए नीतीश कुमार। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। झलक रही है चेहरे से, साफ साफ खुशी झलक रही है। खूब पैसा दिला दिए हैं नीतीश बाबू बिहार को, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर सब मिल गया है। बस यही वजह है कि नीतीश बाबू इतने खुश हैं। आज जब बजट का ऐलान हो रहा था तो वित्त मंत्री ने 5 बार बिहार का नाम लिया और 5 ही बार आंध्र प्रदेश का नाम लिया। मतलब समझ रहे हैं ना आप, नाम लेने में भी कम ज़्यादा बार की गलती नहीं करना चाहती है सरकार। 5-5 बार नाम लिए और दोनों राज्यों को 74,000 करोड़ रुपए दे दिए। सरकार चलाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करना जरूरी भी तो है और हाँ मजबूरी भी है।
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, जिसके लिए जेडीयू और टीडीपी दोनों को खुश रखना जरूरी तो है भाई साहब, और यही दिख रहा है, यही विपक्ष आरोप लगा रहा है। और बस यही वजह है कि दोनों नेताओं ने अपने अपने राज्य के लिए भर भर कर ऐलान करवा लिया है। बजट की खबर मैंने आपको विस्तार से समझा दी, जिसकी चर्चा है वो बता दी, और आप दिन भर विस्तार न्यूज में कवरेज देख रहे थे, किसको क्या मिला, टैक्स में क्या छूट मिला, किस में, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा था। लेकिन 8 बजे आपका विश्लेषण इस ओर ले जाना चाहता था कि इस पर सियासत किस तरह से हो रही है, और जो सहयोगी दल केंद्र सरकार के साथ यानी बीजेपी के जो अलायंस है, इनको क्या क्या मिला है, जिसको लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये बताना आपको जरूरी था।